बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। हम लोग आ चुके हैं भारत कार पे और आज का जो शूट है ये थोड़ा सा हम लोग ओपन वातावरण के अंदर कर रहे हैं। वैसे हमारा ओपन में होता है लेकिन करौल बाग में थोड़ी सी आवाज़ रहती है जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू नहीं बता पाते। क्या हाल चाल है भरत? बिल्कुल बढ़िया। कैसी चल रही है भाई वर्किंग? बिल्कुल बढ़िया। थार के लिए क्या वर्किंग कर रहे हो अभी? नहीं, क्या चीज़ निकाल के लाने वाले? दो चार चीज़ें अभी और आने वाली हैं। आज तो हम थार लेके आए हैं, कंपनी भी लेके आए हैं। दो थार हैं, दिखा रहे हैं अलग अलग लुक्स के साथ। एक में बम्पर है, एक में बम्पर स्टॉक, एक में लाइनेक्स ग्रिल है, एक में जो आजकल इंपोर्टेड है ग्रिल आई वी है लाइट्स के साथ जो आफ्टर मार्केट ट्रायंगलर में लगती है वो है। दोनों में यू लाइट्स है, एक में ब्लू DRL है, एक में व्हाइट DRL है। तो मतलब पूरा थार डेडिकेटेड है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है भारत कार जो है वो ऐसे बहुत सारी गाड़ियों में और भी वर्किंग करते हैं लेकिन जहाँ पर आप लोग थार की बात करोगे तो वो चीज़ जो है वो तो भाई अब डेडिकेटेड हो गई है। बिल्कुल है ना भाई। तो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों को नहीं पता है, जो भी आप लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट्स देखे हैं, जितनी भी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाते हैं, अगेन ये कहते हैं ना कि एक थोड़ा R&D करके और राइड करके उसको टेस्ट करके फिर लोगों को रिकमेंडेशन की जाती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज़, हम लोगों को पिछली वीडियो में एक बड़ा अच्छा लोगों ने जो है रिकमेंडेशन दिया था कि भाई प्राड के लिए जाना, प्राड के लिए जाना, प्राड के लिए जाना, तो हमने प्राड के लिए अपग्रेड किया था। तो ये बम्पर को क्या बोलते हैं पहले एक बार ऑडियंस को बता दे भाई, इस बम्पर को बोलते क्या हम लोग? प्राड का सिंगल पीस बम्पर आता है, सिंगल पीस बम्पर होता है, तो इसमें कोई टुकड़े नहीं होते, सीधा इतना ही बड़ा पूरा एक है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को दिखाया था इसमें प्राड के तीन टुकड़ों में जो आता था तो वो भी बहुत रॉक सॉलिड करता था भाई, है ना। लेकिन भाई अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हो, अगेन इसका जो लुक है, जो इसकी फिट है, वो पूरी की पूरी स्नग फिट वाला आप लोगों को लुक देखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा जो आप लोग गैप वाला चीज़ देख रहे हो ये इसलिए दिया जाता है जिससे आप लोगों का बाय चांस कभी भी कोलिजन हो या किसी भी तरीके का कोई चीज़ हो तो वो आप लोगों के जो है पूरे अंदर तक जो है इफेक्ट ना करे। बाकी इसके लुक के बारे में बात करते हैं, इसकी राइड की फील के बारे में बात करते हैं, तो एज अ कस्टमर नहीं, एज अ ओनर कैसी फील है भाई? बहुत बढ़िया भाई। तो थोड़ा सा हम लोग एयर बैग के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भैया। लेकिन क्या है फिर, क्या चीज़ है भैया? जितना प्रो है उतना, मतलब जितने प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। इसका कॉन में भी एयर बैग का, बट उसके बाद लुक्स, अगर आपका हल्का कोलिजन है तो आपकी प्रोटेक्शन भी उतनी है। ठीक है। अगर आप कल को ऑफ रोडिंग करते हो तो जैसे हल्के कोलिजन से बहुत बार कईयों का कुछ कोलिजन ही नहीं होता, एयर बैग ही खुल जाता है, वो बच भी जाते, तो दिस इज गिव एंड टेक, ये आपको अपने एंड पे ही सोचना है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोगों की जो है ये है ग्रिल जो अभी मार्केट में इन हुई है। थोड़ा सा भैया एक बार ऑन करके हम लोगों को इसकी लाइट दिखा देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। इस ग्रिल का नाम क्या है भाई इसका? या इसका ये एंग्री बर्ड एग्रेसिव ग्रिल कहते हैं इसे। ठीक है, ये थोड़ा ग्लॉसी में आ गई, बस अभी ग्लॉसी में पियानो में आ गई है। ठीक है भाई, तो इसकी ये लाइटें अलग से जलती है इसमें? अच्छा ठीक है। तो ये आई गेस पार्किंग के साथ अगर आप लोग कराना चाहो करा सकते हो। अब आप लोगों को कौन सी गाड़ी की फील आ रही है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। कई सारे लोग कहते हैं भैया थोड़ा रैंगलर वाली फील है, कई सारे कहते हैं ये है। वैसे रैंगलर वाली भी ग्रिल आने लग गई, वो स्लॉट्स वाली जो आती है, है ना, लेकिन वो ज़्यादा खास नहीं लगती देखने में। ठीक है, इसलिए लोग लगवाते नहीं है उस चीज़ को। बाकी इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो है यू शेप्ड। ये अपना खुद का इम्पोर्ट है। ठीक है भाई, ये अपने वाला जो नया इम्पोर्ट आया था ये वो वाला चीज़ है। अगेन वेरी अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक है, काफ़ी अच्छा आउटपुट आता है। कई सारे लोग मेरे से बोलते हैं मुसाफिर भैया आप क्यों नहीं लगाते? भाई मेरा जो है, मेरा हाईवे में बहुत ज़्यादा ड्राइव है और मेरे को हैलोजन के सिवा और कुछ समझ नहीं आता। मैं ऑन कैमरा भी ये बात अब हमेशा बोलता हूँ, भाई मेरा यूसेज नहीं होता उसका। मेरे को LED पसंद ज़रूर है, मेरी अगर XUV के बारे में बात करोगे उसके अंदर ऑलरेडी लग के आती है LED, तो मैं उससे भी खुश हूँ। लेकिन अगेन मेरा हैलोजन की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, ये ऑन कैमरा मैं जो हूँ हमेशा आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ। ठीक है, बाकी जैसा आप लोगों ने देखा है कि भाई हर जगह ट्रीटमेंट वाली चीज़ देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं भाई बता दो एक बारी? ये भैया ये ट्रिम्स है, कार्बन ट्रिम्स। ठीक है, हमने इसके लिए नए निकाले हैं ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रिम्स अलग से आते हैं या फिर इसको हम लोग कुछ डिप कराते हैं, कैसे कराते हैं? हाइड्रो डिप करवाते हैं आप लोग? ठीक है, तो ये हाइड्रो डिप करवा सकते हो आप लोग। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, अगेन प्राइस टू प्राइस जैसा आप लोग करवाना चाहो वैसा आप लोग वर्किंग करा सकते हैं। अब जिन भैया की हम लोगों ने गाड़ी करी है, पहले एक बार वो चेकआउट करते हैं कि हम लोगों ने फ्रंट में जो है इस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ का भैया को करके दिया है। सबसे पहले दिस इज़ अ एम स्टेलियन इंजन वाला गाड़ी है, यानी दिस इज़ अ पेट्रोल वेरियंट कार जो भी आप लोग देख रहे हो। ऑल दो लुक्स वाइज कोई चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, डीजल पेट्रोल लुक वाइज बिल्कुल एक्सट्रीमली सेम जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। इस गाड़ी के अंदर हमने अपग्रेड क्या किया, एक बार भैया इंडिकेटर एक बार ऑन कर दो और वो जला देना इसका। इसके लिए लोग हम लोगों को बोलते हैं कि यार एक चीज़ हम लोगों को जो है अपनी गाड़ी में ज़रूर चाहिए, वो चाहिए भाई हमको DRL ब्राइट चाहिए और साथ ही साथ में हमें ये फ्लोटिंग इंडिकेटर वाला लुक चाहिए। तो ये भैया की हम लोगों ने जो है गाड़ी के अंदर जो है किया है। ठीक है भाई, तो अभी थोड़ी सी गाड़ी ऑन हो गई है, एक काम करते हैं इधर से एक बारी गाड़ी बंद करके भैया बस ना इग्निशन में चाबी रख के बस ऐसे ऑन रहने दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है आइडिया वाइज समझ आ जाएगा। ये आप लोगों के DRLs यहाँ पर ऑन हो रखे हैं। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने यू शेप डॉले लगाए हैं, लाइटिंग का जो सेटअप है वो आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं। बस फर्क इतना है भैया के उसमें जो है ये ब्लू कलर का है और हमारे उसमें
हमारे वाइट है। तो इसमें कुछ आरजीबी कनेक्ट मतलब चेंज होने वाला कुछ ऐसा ऑप्शन है? कुछ नहीं है, कलर्स अलग अलग आते हैं, हमारे पास येलो है, ब्लू है और वाइट है। शायद से ये वन ऑफ द मोस्ट रेयर थार्स है जिसमें ब्लू DRL वाली यू शेप लाइट यू शेप लगी। वेरी नाइस भाई, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप लोग बात करते हैं इस गाड़ी की ग्रिल के बारे में, तो इसके अंदर हम लोगों ने लाइनेक्स वाली ग्रिल लगाई है। अगेन ये ब्लैक के साथ में काफी सूट भी कर रही है। आप लोग ग्लॉसी लगवाना चाहे आप लोगों को ग्लॉसी की भी चॉइस जो है मिल जाती है। फॉग लाइट के लिए कई सारे लोग स्टॉक में रहना चाहते हैं, तो स्टॉक में हम लोग जो है LED लगाना आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने LED इंस्टॉल करी है, ठीक है। तो जो कस्टमर है उनका मैं फीडबैक आप लोगों को दिलाऊंगा। भैया भी जो है वो काफी ज्यादा कोर लवर है, उनको जो है चीजें पसंद है मॉडिफाइड हुई हुई। तो भैया जो है भैया का क्या फीडबैक था काम होने के बाद? बिल्कुल भैया बहुत खुश थे काम से, मतलब भैया आज अपनी गाड़ी के साथ हमारे पास आए भी हैं। ठीक है, इस गाड़ी के अंदर बहुत हमने बढ़िया बढ़िया चीजें भी करी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके अलॉय व्हील्स आपने पेंट किया है, कंपनी से होके आए थे? ये भैया ने करवाए थे। आप लोग चाहो तो ऐसे अलॉय व्हील्स आप लोग पेंट करा सकते हैं, आपको चॉइस मिलती है। जहां तक किट के बारे में बात करोगे तो ये हमारी कार्बन फाइबर वाली किट है भाई। बिल्कुल भैया, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो ये पीस होता है ये उतार के हम लोग डिप करते हैं, फिर इसके ऊपर अलग से आता है? ये ऊपर से अलग से आता है, ये ऊपर से अलग, ठीक है। ये अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत रिफाइंड है, अच्छी है भाई। वर्किंग वाइज आप लोग करवा सकते हो, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम चीज देखने को मिलेगी। ये भी हमने लगाया क्या? ये कंपनी से हुआ है, लेकिन ये मिल जाता है हमारे पास, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है जो कि आप लोग लगवाना चाहो लगवा सकते हो। इस गाड़ी के अंदर जो मेन चीज हम लोगों ने वर्किंग करी है, भैया इंडिकेटर ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये आफ्टर मार्केट आप लोगों की टेल लाइट है। ये क्लियर ग्लास वाली है आपकी, या ग्लॉस बोली है, स्मोक वाली है, ठीक है। इसमें क्लियर ग्लास भी आता है, ये स्मोकी है। साथ ही साथ में हम लोगों ने रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल किए हैं और परफेक्टली आप लोगों के जो है इंडिकेटर्स के साथ में इस पे ब्लिंकिंग वाली चीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एक चीज जो कि अगर आप लोग चाहे तो वो भी आप अपग्रेड करा सकते हो, वो है आप लोगों का रिवर्स कैमरा जो कि भारत कार ने लगाया, ठीक है। तो भाई इस गाड़ी के अंदर अंदर में भी आपको बड़ा अच्छे मॉड देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू भैया, आ जाइए अब हम अंदर चलते हैं एक बार। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल चाबी लगे रहने दीजिए। तो इसमें जो है हम लोगों ने एम्बिएंट लाइट वाला जो पूरा वर्किंग है वो भी किया है। पहले आप गाड़ी का लुक चेकआउट कर लो, ब्लैक गाड़ी का अपना ये लुक आता है भाई जबरदस्त देखने में। तो इसके अंदर हम लोगों ने कितने वाली वो लगाई है भाई, एम्बिएंट लाइट, ये बताओ पहले। ये भैया इसमें हमने एम्बिएंट किट लगाई है, ठीक है, जो कि जिसमें एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइट एंड ये पूरी मेरे ख्याल से 18 पीसेस की किट होती है, ठीक है। पूरी की पूरी लगी हुई है इंक्लूडिंग द एसी वेंट्स। इंक्लूडिंग दी एसी वेंट्स, वेरी नाइस भाई। और इसमें आप देखोगे इधर भी आपको लाइटिंग वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी पूरा देखने को मिलेगा। अगेन इसमें मैट जो डाले वो कौन से है भाई? हमारे बॉस मैट है, हाइपरसोनिक, ठीक है। ये हमारे बॉस मैट है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग रिस्पांस है भाई। XUV 700 में पूरा भाई आप लोगों का कवरिंग कर देता है ये। साथ ही साथ में इस गाड़ी में हम लोगों ने आर्मरेस्ट भी डाला है, इसकी क्वालिटी दिखाओ भाई खोल के, ठीक है भाई। पूरी प्राइम क्वालिटी जो है वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। रियर में भैया ने नहीं लगवाया आर्मरेस्ट? हाँ जी, क्योंकि भैया को पीछे बैठते नहीं है, ठीक है। फ्रंट का ही भैया को जो है गाड़ी का पूरा वर्किंग रहता है, ठीक है भाई। तो हम करते हैं एक बार हमारी गाड़ी को ऑन और यहाँ पर आप लोगों को इस गाड़ी में चेक कराते हैं। ये अभी तक मेरी गौर से पहली ही थार होगी जिसके अंदर ये लगा होगा? बिल्कुल भैया, ठीक है। ये हमारा हाइपरसोनिक का है, थोड़ा AC ऑन कर लेते हैं। हाइपरसोनिक का जो है इसके अंदर एंड्रॉइड स्टीरियो जो है लगाया गया है। ये आप लोगों की बहुत सारे तरीकों की जो है आप लोगों क्या बोलते हैं उसको, थीम्स मिलती है आप लोगों को, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का 8GB रैम, 128GB रोम है ये, ठीक है। और इसमें जो हमने बैक कैमरा लगाया पहले वो आप लोग चेकआउट कीजिए, क्वालिटी वाइज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल प्राइम आप लोगों को पूरे सेंसर्स वर्किंग, और क्वालिटी वाइज बड़ी स्क्रीन भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जिसको बड़ी स्क्रीन का शौक है वो जो है इन अपग्रेड के लिए जो है बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अपनी चॉइस वाइज जो है आप लोग करवा सकते हो। बाकी अगर आप लोग बात करते हो एम्बिएंट लाइटिंग के बारे में, बड़ा जबरदस्त लग रहा है भाई, है लुक बड़ा अच्छा आ रहा है भाई। मतलब आप अगर फुट लाइट देखोगे यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो इसका एक अमेजिंग लुक निकल के आ रहा है, ठीक है। और क्या चीज है भाई जो आपने भैया की गाड़ी में वर्किंग करी है? मेरे भैया और जो हमने इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट और ये किट इंस्टॉल करी है, इसमें एक ही ऐप से एम्बिएंट और एसी वेंट्स का कलर चेंज करता है, ठीक है। एक ही साथ हो जाता है, एक ही साथ, सेम, वेरी नाइस, सेम। तो अभी है आपके पास वो ऐप कनेक्टेड है? हाँ जी, तो एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, ऐप जो है कनेक्ट हो गई। इस ऐप का नाम क्या है भाई? ये भैया कार्डिकी है, कार्डिकी ऐप है ये। और यहाँ पर आप देखो, अब आप ब्रांड्स के ऊपर मत जाना, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। हमारे हाइपरसोनिक के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है भाई। लाइट्स पूरी की पूरी एक ही ऐप से जो है आपकी कनेक्ट होके चेंज होने में लगी है। तो ये तो बात हो गई भाई इसके बारे में। अब एक बार कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, उनका क्या कहना है, कैसा क्या है, उसके बाद चलेंगे हम लोग स्टोर में और वहां पर आप लोगों को अंकल से मिलवाते हैं और साथ साथ में क्या क्या चीजें और है थार लवर्स के लिए वो आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो सबसे मेजर चीज आती है, क्योंकि काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अगेन एक फीडबैक कस्टमर से हमें मिलना बहुत जरूरी होता है। सर एक बार चाहूंगा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राजा बिंद्रा, ठीक है। सर मेरे को सबसे मेन चीज जाननी है कि भरत जी ने जो है वो काम कैसा करा आपकी गाड़ी में? बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम किया। ऐसा तो नहीं बार बार बुला रहे भैया ये करने आओ वो करने आओ? मैं एक बार ही आया था, इन्होंने एक ही बारी मेरा काम किया, वेरी सैटिस्फाइड, वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स इन दिल्ली,
if you want to get your car, specially Thar modified, come to Bharat. Very nice. देखो गुड फीडबैक जो है सर की तरफ से, मैंने सर को अच्छा बोलने के लिए नहीं बोला, पहले मैं बता रहा हूँ सर का जो रियल फीडबैक है. एंड आपने भी हमको मेरे को बहुत हेल्प किया इस चीज़ में. मैंने आपकी वीडियोस देख के काफ़ी सर्च करने के बाद मैं भरत के पास आया था. एंड जेन्युइनली वन स्टॉप शॉप फॉर थार. वेरी नाइस भाई, यू कैन गेट एवरी एक्सेसरी डन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. थैंक यू सर, मैं चाहूंगा आप थम्स अप कर दीजिए सर. बढ़िया. तो अब हम लोग आ चुके हैं करौल बाग के अंदर. करौल बाग के उस तरफ भी मार्केट है और इस तरफ भी मार्केट है. तो हम लोग जो है राइट हैंड साइड वाली मार्केट की तरफ में आए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं भारत कार में. और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि भरत जो है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग चीज़ें जैसे हमेशा दिखाता है, इस बारी भी कुछ कलेक्शन लेके आया आप लोगों के लिए और आप लोगों को जो है सब चीज़ें दिखाने वाले. अगेन जितने भी प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये हम पर्सनली देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको दिखाते रहेंगे. ठीक है भाई, तो यहीं से हम लोग जो है शुरुआत कर देते हैं. आज आप लोगों के लिए बड़ी बढ़िया चीज़ें भाई ने यहाँ पर निकाल के रखी हुई है. सबसे पहले यहाँ पर सारे के सारे कैमराज जो है वो हम लोगों ने रखे हुए हैं. ठीक है, ये चॉइस वाइस आप देख सकते हैं. प्लीज ब्रांड के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांड्स आते रहते हैं जाते रहते हैं. क्या कहते हो भैया, ना ब्रांड आते आते रहते हैं, तो प्लीज इनके ऊपर स्टिक मत रहना. लेकिन हाँ, जगह वाइज बात करोगे तो भारत कार यहीं पर है, तो भारत कार वाले जो है वो आपको बढ़िया चीज रिकमेंड कर देंगे. अगर आप लोग थार में कैमरा लगाना चाहते हो तो एक्टिवेटर चाहिए होता है. कंपनी से लगवाना चाहो कंपनी से लगवा सकते हो, बाहर से लगाना चाहो बाहर से भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो आप लोगों के एयर फिल्टर्स है. K&N का एयर फिल्टर है, BMC का एयर फिल्टर है. और एयर फिल्टर के जैसे आपको पता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसको लगाने के बाद क्या फर्क फील होता है भाई? भैया आपका एयर इनटेक बढ़ जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और आपकी माइलेज भी इम्प्रूव हो जाती है. माइलेज इम्प्रूव होती है काफी अच्छी हद तक होती है. काफी रिव्यूज आए भैया, फीडबैक आया कि उनकी भैया की गाड़ी में लगे थे ना ये भैया? हाँ जी, जो भैया थे उनकी गाड़ी में हमने लगाया. वेरी नाइस भैया. भैया बहुत मतलब कहते हैं ना कि एनर्जेटिक है, उनको भी काफी ज्यादा पसंद है अपनी गाड़ी का ध्यान रखना. ये चीज है, ये आप लोगों की रिचार्जर किट होती है बेसिकली, दिस इज फॉर क्लीनिंग. बाकी जितने भी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को थार की ना स्टॉक जो हमारी फॉग लाइट है उसके अंदर अगर कुछ लगाना है, हाइपरसोनिक या हाइपरसोनिक की LED अगर खोल के दिखा दो भैया जरा इसके अंदर. ठीक है भाई, ये नंबर S7 होता है? H8 लगता होगा ना उसमें? ठीक है, ये आई गेस H7 है, लेकिन आप लगाना चाहो तो H8 लगा सकते हो. देखने में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा. ये प्लग एंड प्ले है, ये मुसाफिर सर्टिफाइड है, क्योंकि मुसाफिर भैया इसको अपनी गाड़ी में खुद यूज कर रहे हैं. और मैं जब भी कुछ यूज करता हूँ उसका मैं पूरा हार्डकोर चेक करता हूँ भाई, पानी के अंदर डाल के हर जगह डाल के. मेरी गाड़ी आधे पानी के अंदर भी गई हुई है, उसके बाद भी दिस वॉज वर्किंग परफेक्टली. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंड हो गया. यहाँ पर और चीजें भी भाई ने रखी हुई, आई गेस ये कोई ब्रांड है जिनके आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं. LEDs के, ये LEDs का ऑप्शन है. ठीक है, तो ये आप लोग ऑप्शन वाइज जो है अपने लिए बना सकते हो. सेम आप लोगों को वॉशिंग किट देखने को मिली. अब जो भरत ने आप लोगों को किट दिखाई थी, एक बार भैया इसको उठा लीजिए. आप लोगों को जो भरत ने दिखाई थी दैट वॉज एंग्री किट, मतलब एंग्री ग्रिल था. ये आप लोगों का स्ट्रेट वाला ग्रिल है. रियर से अगर आप लोग देखना चाहेंगे दिस इज हाउ द वायरिंग लुक्स लाइक. इसका पूरा कपलर वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिल जाता है. भैया एक चीज बताइए, कस्टमर जो है वो अब इस ग्रिल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके का आ जाए. एक फायदा ये भी है कि आपकी जो कान की कान है ये जेन्युइन फिटिंग है. बिल्कुल ठीक है, ये जेन्युइन फिटिंग है कान के साथ. टू कपलर होता है ना स्पीकर स्टीरियो, ठीक है, वैसे ये भी है. ठीक है भाई, जो हम कान लगाते हैं ना साइड से टुकड़ा निकाल के, वो काम यहाँ पर बन जाता है. और इसमें बटन के भी आपकी सारी हॉल वगैरह सारी जेन्युइन है. परफेक्ट. और एक चीज और मेरे को बताओ भैया, सबसे मेन चीज जब इसको हम फिटिंग करते हैं कोई 19-20 का फर्क की फिटिंग में 1% भी दिक्कत नहीं आती थी. अच्छा ठीक है भाई, ये आप लोगों को भैया ने बताया. ये ABS में है, फाइबर में? ABS में है. बहुत रिक्वेस्ट आई थी पिछली बार की फाइबर भी दिखाने. ABS की पहचान ये होता है जो आपके पीछे से भी प्लेन होगा. ठीक है, नहीं वैसे लोगों ने बोला था फाइबर की ग्रिल भी दिखानी है हमारे पास. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, फाइबर की ग्रिल भी चेकआउट करेंगे. ये कौन सी ग्रिल है? ये एंग्री बर्ड ग्रिल है. ये एंग्री बर्ड, एक बार इसको उठा के दिखा दीजिए सर. तो ये आप लोगों ने पुरानी वाली थार में काफी देखा होगा. दिस इज मैट फिनिश. ठीक है भाई, इसको आप चाहो तो लाइनेक्स वाले फिनिशिंग में भी आप लोगों को मिल जाता है. इसका पीछे दिखाइए सर. ठीक है, ये फाइबर है भाई. ठीक है, तो ये क्वालिटी आप लोग खुद चेक कर पाओगे. इसमें आप लोगों को पूरा रग्ड वाली चीज दिखेगी जो बनी हुई चीज होती है. ठीक है, ये हमारा डन हो गया. ये एक भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो भरत कभी कोई कस्टमर आ रहा है उसको बताना है. भैया ABS ग्रिल भी है, फाइबर ग्रिल भी है. ठीक है, दोनों ऑप्शन बताने हैं लोगों. भैया हमेशा ही बताएंगे, बताएंगे भी. ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है वन ऑफ द रिनॉन्ड ब्रांड जो कि प्राड है. अगेन प्राड नहीं, इसके सिवा इनके पास और भी अंडर बॉडीज है, लेकिन ये वन ऑफ द रिनॉन्ड है. ये आप लोगों को 3 कलर्स के अंदर ऑप्शन वाइज मिलता है. आप लगा सकते हो, पूरा अंडर बॉडी का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है. क्या कहोगे भैया इस बारे में? सबसे नंबर वन कंपनी. ठीक है, हम जितने इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कंप्लेंट तो नहीं आ रही है? 1% भी नहीं है. 1% भी कंप्लेंट नहीं. अब चलते हैं आप लोगों को पीछे की तरफ लेके. तो भरत ने जैसा आपको बताया था कि भाई पूरा का पूरा यहाँ पर तैयार करा देंगे. तो जितने भी लोग बम्पर लगाना चाहते हैं भाई, आप लोगों के पास बम्पर के लिए ये K2 है. इसको K2 बोला जाता है. ठीक है, ये K2 बम्पर इसको कहलाते हैं. ये आप लोगों का ओवरलैंड का बम्पर होता है. ये भी लोहे का होता है. अगेन थोड़ा सा आप लोगों का जो एयर बैग्स है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन
भाई ऑफ रोडर जो होते हैं वो तो ज्यादा सोचते हैं, उनको तो खुद ही एयरबैग बंद करने पड़ते हैं कि खुले ना हमारे। ये आपका प्राड वाला है, ये काफी ज्यादा इन हो गया, पहले तीन पीस में आता था, अब इन्होंने सिंगल में निकाला है जो हमने भरत की गाड़ी में लगा रखा है। मतलब अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता भैया को कि उठा के दिखा दो, क्योंकि ये इतना भारी होगा कि एक बंदा नहीं उठा सकता इसको। गुड, मतलब इसकी स्पेक्स जो है बहुत जबरदस्त है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो है वो ये वाला बंपर है, ठीक है। मैं कभी भी अगर लगाऊंगा मैं ये वाला बंपर लगाऊंगा। उसका एक रीजन क्या है भाई, एक तो इसका ना इससे आप बड़ा कितना भी बड़ा टायर लगा लो है ना, और उसके साथ दूसरे में आपका एयरबैग चलता है बिल्कुल। मगर हमारा जो प्राइड का है ना, ये हमने चेक करा है, ठीक है, 22 इंची में भी आपका ये बिल्कुल फिट है, 22 इंची में लगा लिया हमने। हाँ जी, 100%। चलो भाई, ये भैया ने देख लो ट्राइड एंड टेस्टेड बताया। एलईडी लाइट जो है वो आप लोगों की हेडलैम्प्स हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग जब भी ऑप्ट करना चाहे आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों के डेड पेडल्स है अगेन, और ये आप लोगों के इसी क्या है भाई इसका नाम बताओ, ये हिंजेस है, ठीक है। ये आप लोगों को अलग अलग कलर्स के ऑप्शन वाइज जो है मिल जाते हैं, सारे के सारे जो कलर ऑप्शंस आप लोग चाहते हैं अगर आपको अंडर बॉडी में, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो का जो सबसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है वो मेरे भैया जो है मेरे को पकड़ के दिखाएंगे, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा तो बहुत भारी है, भैया उठाएंगे कैसे इसको अकेले, तो यहाँ देखना भाई, ये देखो भाई, ये भाई आप लोगों का ABS क्वालिटी के अंदर आप लोगों को जो है बूट का सॉरी बोनट का स्कूप जो है देखने को मिल जाएगा। इसको उठाइए सर एक बारी, इस पीछे की तरफ से दिखा दीजिए एक बारी। तो ये भैया चिपकता है या कैसे क्या होता है इसका? डबल टेप से पेस्ट होगा सारा, ठीक है। ये डबल टेप से पूरा स्टिक हो जाता है, मतलब कोई मूवमेंट वोमेंट तो नहीं आती है? नहीं नहीं, 1% भी नहीं आता। अच्छा लगता है बिल्कुल। और कॉर्नर जो होते हैं उधर से उठता तो नहीं है? नहीं, ठीक है। चलो भाई, ये भैया ने आपको बता दिया। ये आप लोगों की एक ग्रिल है जो कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, ये आप लोगों की कौन सी फिनिशिंग में? ये लाइनेक्स में आ गई है, लाइनेक्स की फिनिशिंग में आप लोगों को मिलती है। इसकी ग्रिल की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। ये आप लोगों को ऑप्शन वाइज जो है अवेलेबल है भारत कार पर, एक्सक्लूसिव तो नहीं बोलूंगा, आजकल बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें, लेकिन अगेन क्वालिटी मैटर अगर आपको करती है तो मैं आप लोगों को भारत कार जो है रिकमेंड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आप लोग देखने वाले हो, ये डियोल कलर के अंदर हमने निकाली है भाई, इसके बारे में जरा ऑडियंस को बताओ इसका क्या सीन है भैया। एक्सक्लूसिविटी की बात होती है तो लोग मांगते हैं भैया कुछ चीज चाहिए, हमें डिफरेंट चाहिए, अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो अब हमने इसे डुअल टोन में पेंट करा है इस ग्रिल को, ठीक है। ये आपने खुद कस्टम करवाया? बिल्कुल भैया। तो भाई आप लोग इसमें देख रहे हो, ये लाल रंग के अंदर में आप लोगों को जो पूरा का पूरा अंदर आप लोगों के क्या बोलते हैं कॉब बोल सकते हो, कॉम वाला पूरा जो एक बनता है, हनी कॉम वाला लुक बनता है, इसको हम लोगों ने पूरा ग्लॉसी पेंट किया है। इसके जो एजेस है ये आप लोगों के मैट रहेंगे। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के जो है चॉइस वाइज आप देख सकते हो। ये आप लोगों की रेंगलर टाइप जो आप लोगों का फ्रंट ग्रिल होती है वो आप लोग देख सकते हो, फोर स्लॉट ग्रिल जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है चॉइस वाइज देख सकते हो। एक बार ये स्कूप भी उठा के दिखा दे भाई, तो वो आप लोगों ने आई गेस मैट फिनिश में देखा था, ये आप लोगों का जो है ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, ठीक है भाई। एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, इवन जो पानी का स्प्रेयर होता है उसकी जगह भी इसके अंदर परफेक्ट तरीके से बनाई हुई है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू फिक्स जैसा भाई ने बताया। अपनी गाड़ी में लगाओगे? रख के दिखाएंगे फिर एक बार लगाएंगे, ठीक है ना। इसको दिखाएंगे, वैसे रख के दिखा दे एक बारी, हाँ जी, ठीक है। इसको भी एक बार रख के दिखाते भैया ना कैसा देखने को मिलता है उसके, ठीक है, फ्यूचर में इसको लगा भी लेंगे। ये वो ग्रिल है जो भरत ने अपनी गाड़ी के अंदर लगा रखी है। ये आप लोगों के टायर इन्फ्लेटर्स है, और साथ ही साथ में ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं टायर इन्फ्लेटर्स, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कुछ गाड़ी में वर्किंग करानी है। आर्मरेस्ट के बारे में अगर आप बात करते हो, हमारे पास तीन तरीके के आर्मरेस्ट की क्वालिटीज़ है, क्वालिटी क्या अभी तो कलर है, वैसे क्वालिटीज भी है हमारे पास, सस्ते से महंगा तक में अगर आप लोग जाना चाहे तो आप लोग ऑप्शन वाइज जो है हमारे सामने आके जो है ऑप्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये ऑन अ गो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, एंड्रॉयड से लेके आप लोगों को स्पीकर तक जो भी चीज ऑप्ट करनी है वो आप लोग यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। ऑफिशियली आप लोगों को जो है सामान हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। ये क्या है भाई एक बार बताओ, स्टेपनी कवर, एक बार इसको उठा के दिखाओ पहले, ठीक है भाई। ये आप लोगों का जो है इस तरफ से ये लगाया जाता है, पीछे से ये लगेगा, और इससे आपकी स्टेपनी की जो कवरिंग है वो अच्छी हो जाती है। और इसके पीछे भी आप लोगों को फिनिशिंग कौन सी मिलती है? लाइनेक्स की फिनिशिंग है, ठीक है। इसको एक बार फ्रंट से दिखाओ एक बार अच्छे से, ठीक है। एक बार आप लोग देखो बढ़िया तरीके से भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्लैरिटी वाइज आप लोगों को समझ आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ का भी एक आइडिया मिल चुका है। भरत ने जैसा बोला था आप लोगों को लगा के दिखाएंगे जरूर, तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कैसा ये आप लोगों का पूरा जो स्कूप वाला लुक है वो आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्लग इन प्ले होता है, ये पूरा अच्छे तरीके से चिपक भी जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपके पास थार है और आप लोग प्लान कर रहे हो कि आप लोगों को कुछ अपग्रेडेशन इसके ऊपर करानी है, तो ये जो स्कूप वाला ऑप्शन है इसके लिए आप लोग ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है पूरा रिस्पॉन्स जो है वो चेकआउट कर लिया है। अगेन थार से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, जिप्सी हो गई, गुरखा हो गई, अब आपकी जिम्मी भी आने वाली है इंडिया के अंदर, तो अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है, आप ऑफ रोडर है, आप लोगों को एसेसरीज लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो वन स्टॉप शॉप तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, करोल बाग के अंदर सिचुएटेड है। अगेन प्रीमियम आप लोगों को पूरा इधर
फील मिलेगा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो चाइनीज़ वाली चीज़ों के थोड़ा सा जो है एक कदम पीछे हो गए। अब जितने अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके लिए हम लोग आते हैं। तो हमारे साथ अंकल जी, थोड़ा सा बताइए कैसी चल रही है मार्केट, कैसी वर्किंग कर रहे हैं आप लोग, और थार गाड़ी एक अट्रैक्शन खुद के पास होने से मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार थोड़ा बताइए। जी कोई भी गाड़ी ले लो आप, जब तक आप खुद चला के उसको ड्राइव करके फील नहीं लोगे, उसका सारा सिस्टम चेक नहीं करोगे, तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। करेक्ट। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग जैसा होना चाहिए गाड़ी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो आप लोग कार के लिए जो जरूरी है वही करते हैं, टूटा सीधा चे बात है, अभी अपने पास कुछ भी नहीं, हम लोग करते ही नहीं। चलो अच्छी बात, करेक्ट बात है। अंकल ने आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट बात बताई है कि भाई कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं लगाना कि भाई ये लगाई लो, ये लगा के जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो भाई बहुत बढ़िया। और बाकी भरत जो है वो पूरी सही तरीके से वर्किंग संभाल रहे बढ़िया तरीके से। चलो भाई, और भरत भाई की अभी रिसेंटली जो है शादी हुई है, तो आप लोग भाई को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग जो है इंस्टाग्राम के थ्रू तो आपको हमने दिखा दिया था, लेकिन अगेन एक थोड़ा सा आप लोगों की वेल विशेस जो है वो भाई के साथ रहनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग में से कोई भी थार से रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड कुछ भी वर्किंग करना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग जो है भारत कार पे आ सकते हैं। करोलबाग में स्टोर सिचुएटेड है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एड्रेस नंबर मिल जाएगा, नंबर हम लोग फ्लैश भी कर रहे हैं। बाकी और कोई चीज़ है भाई जो बोलना चाहोगे लोगों को? बस भैया थैंक यू सबको सपोर्ट करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। चलिए भाई बेस्ट है, बेस्ट है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो जरूर हमें लाइक शेयर कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम मुसाफिर अड्डा 11, फेसबुक मुसाफिर कास्ट। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसे कर दो सर, बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।